देखो इस वीडियो के अंदर मैं टाटा इसके अलावा महिंद्रा ये अपकमिंग कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनको 2022 में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है। इसके अलावा टोयोटा, हुंडई और किया इनकी अपकमिंग कारों के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया है, उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम टाटा से स्टार्ट कर लेते हैं। 2021 में टाटा कंपनी अल्ट्रोज ईवी को लॉन्च करेगी जो कि इलेक्ट्रिक वेरिएंट रहने वाला है प्रीमियम हैचबैक कार अल्ट्रोज का, जिसको ऑलरेडी ऑटो एक्सपो में शोकेस किया जा चुका है। हम सबको पता है कि टाटा अल्ट्रोज को इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और इसको सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग्स भी हासिल हुए है, तो इसका इलेक्ट्रिक वर्जन रेडी है इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के लिए। इसके अंदर हमें काफी चेंजेस देखने को मिल जाएंगे एक्सटीरियर में, इंटीरियर में, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक कार होने वाली है तो इसके एक्सटीरियर में कॉस्मेटिक चेंजेस किए जाएंगे और इसके इंटीरियर के कुछ फीचर्स को अपग्रेड भी किया जाएगा। बहुत सारे रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया है कि टाटा अल्ट्रोज ईवी एक सिंगल चार्ज में लगभग 300 किलोमीटर तक की रेंज दे देगी। आज के डेट में टाटा नेक्सॉन ईवी एक सिंगल चार्ज में 312 किलोमीटर तक की रेंज दे देती है, तो यहाँ पर अल्ट्रोज ईवी भी लगभग उसके आसपास रेंज दे देगी, तो ये भी काफी ज्यादा कमाल की बात है। अल्ट्रोज ईवी को टाटा कंपनी मार्च 2022 तक इंडियन मार्केट में रिवील करेगी, उसके बाद इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है वो लगभग 10 लाख रुपए के ऊपर ही रहेगी। वहीं टाटा की तरफ से जो सेकंड नंबर की कार आती है जिसको इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा वो है पंच का ईवी मॉडल, इसके अलावा पंच का डीजल वेरिएंट। हालांकि दोनों ही मॉडल टेस्टिंग फेज में है और रिसेंटली पंच का डीजल मॉडल एक्सपायर किया जा चुका है टेस्टिंग के दौरान, तो यहाँ पर हमें पंच के अंदर डीजल मॉडल भी देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा इलेक्ट्रिक मॉडल भी देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल से चेंजेस करे जाएंगे एक्सटीरियर में और इंटीरियर में और इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। सबसे पहले डीजल मॉडल को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद टाटा कंपनी पंच ईवी को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। पंच ईवी एक सिंगल चार्ज में लगभग 160 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, ये एक्सपेक्टेड रेंज बताई जा रही है। वहीं टाटा की तरफ से जो थर्ड नंबर की कार आती है जिसको बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च किया जाना है वो है सियारा। हालांकि सियारा का न्यू जनरेशन मॉडल इंडियन मार्केट में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, ओल्ड जनरेशन मॉडल को 2003 में डिसकंटिन्यू कर दिया था, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक वेरिएंट बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। इसको भी ऑटो एक्सपो में शोकेस किया जा चुका है, कुछ इमेज या फिर वीडियोज में स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। इसके अंदर काफी चेंजेस करे गए हैं एक्सटीरियर में और इंटीरियर में, लेकिन इसका जो एक्सटीरियर लुक है वो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है ओल्ड सियारा से, तो यहाँ पर आपको ओल्ड सियारा की डेफिनेटली याद आने वाली है नई सियारा को देखने के बाद। ये एक इलेक्ट्रिक कार होने वाली है और एक सिंगल चार्ज में न्यू सियारा लगभग 500 किलोमीटर तक की रेंज दे देगी आराम से। इसको इंडियन मार्केट में लगभग 2022 के मिड के आसपास लॉन्च किया जा सकता है और इसकी कीमत 10-12 लाख रुपए के ऊपर ही रहेगी। वही जो नेक्स्ट कार आती है जिसको 2022 में टाटा कंपनी इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी वो है ब्लैकबर्ड। कि ये एक 5-सीटर एसयूवी कार होने वाली है और इसका मुकाबला क्रेटा सेल्टोस के साथ रहेगा। इस सेगमेंट में टाटा कंपनी इस कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। इसको अगले साल के मिड के आसपास रिवील किया जा सकता है, उसके बाद इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और कीमत 10 लाख रुपए के ऊपर ही रहेगी। वही टाटा की जो लास्ट कार आती है जिनके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया है वो सीएनजी कारें होने वाली है, वो है टियागो सीएनजी मॉडल, इसके अलावा टिगोर सीएनजी मॉडल। अगले महीने इन दोनों ही कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है और इनकी टेस्टिंग अब फाइनल फेज में है, तो 2022 में टाटा कंपनी इन कारों को इंडियन मार्केट में उतार सकती है। अब बात करते हैं महिंद्रा के बारे में। महिंद्रा कंपनी अगले साल ईकेवी 100 को उतारेगी, इसके अलावा ईएक्सवी 300 को भी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा अगले साल। दोनों ही कारें इलेक्ट्रिक मॉडल रहने वाले हैं और दोनों ही कारों को ऑटो एक्सपो में शोकेस किया जा चुका है। हालांकि महिंद्रा की जो ईएक्सवी 300 रहने वाली है वो एक सिंगल चार्ज में लगभग 300 किलोमीटर तक की रेंज देगी और इसका मुकाबला इंडियन मार्केट में नेक्सॉन ईवी के साथ रहेगा। इसके अलावा ईकेवी 100 एक सिंगल चार्ज में लगभग 150 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, तो महिंद्रा कंपनी इन दोनों ही कारों को अगले साल इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। इसके अलावा महिंद्रा की तरफ से जो सेकंड नंबर की कार आती है जिसको बहुत जल्दी लॉन्च किया जाना है, जिसकी टेस्टिंग पर टेस्टिंग चल रही है, वो है न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप जरूर देख सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए, नई स्कॉर्पियो को अगले 1-2 महीने के अंदर इंडिया में रिवील किया जाएगा और इसको ऑफिशियली जून 2022 को लॉन्च किया जाना है। वही जो थर्ड नंबर की कार आती है जिसको इंडिया में अगले साल लॉन्च किया जाएगा महिंद्रा की तरफ से, वो है एक्सयूवी 500, इसके अलावा एक्सयूवी 400। हालांकि एक्सयूवी 500 को डिसकंटिन्यू कर दिया है एक्सयूवी 700 के लॉन्च के बाद, लेकिन महिंद्रा कंपनी आने वाले समय में एक्सयूवी 500 को रीलॉन्च करेगी क्रेटा और सेल्टोस के सेगमेंट में। हालांकि इसको नए प्लेटफॉर्म पर बिल्ड किया जाएगा, डिजाइन अलग रहेगा, इंटीरियर के फीचर्स चेंज हो जाएंगे और इसको अगले साल यानी 2022 में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा।
इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन किया है कि महिंद्रा कंपनी 2022 में XUV 400 को भी लॉन्च कर सकती है। अब ये आने वाला समय बताएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। इस वीडियो के अंदर हमने टाटा की कारों को देखा और महिंद्रा की उन कारों को देखा जिनको बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च किया जाना है। इनमें से किस कार का आप वेट कर रहे हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।